और अब उस राजघराने की बात जिसका दबदबा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में भी रहा है। सिंधिया राजघराने की तीसरी पीढ़ी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार अपने हारे किले गुना को फिर से जीतना चाहते थे, तो दूसरी तरफ यादव कार्ड के सहारे कांग्रेस किस्मत आजमा रही है। सिंधिया रियासत का सबसे मजबूत गढ़ गुना, जिसकी पहचान किसी दल से ज्यादा सिंधिया राजघराने से है। दल चाहे जो भी रहा, लेकिन राज या तो महल की राजमाता या महाराजा या फिर महल के समर्थक नहीं किया। इतिहास के पन्ने में सिंधिया घराने की तीसरी पीढ़ी की हार का अध्याय भी जुड़ गया। कांग्रेस में रहते चार बार के सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में ध्वस्त हुए सियासी किले को अब जनता को अपने पूर्वजों का सम्मान याद दिलाते हुए बीजेपी मोदी के सहारे फिर से मजबूत करने उतरे। तो माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया से पिता की हार का बदला लेने राव यादवेंद्र सिंह यादव कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो कांग्रेस की सरकार केवल सत्ता की भूखी है, जो कांग्रेस की सरकार ने देश में 65 वर्षों में कुछ करके नहीं दिखाया, गरीब को गरीब के रूप में रखा, अमीर को अमीर के रूप में रखा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक देश के किसान, युवा, अन्नदाता, गरीब और नारी शक्ति को विश्व पटल पर निखारने का कार्य कर रहे हैं। मेरे भाई और जनता में चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह है और इस बार बदलाव की लहर है। सभी जनता भाजपा से बदलाव चाहती है और इस बार सभी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले हैं। क्यों लग रहा है आपको कि यहाँ पर बदलाव दिखने को मिल रहा है? इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान पीड़ित हैं, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे ग्रामीण पानी को लेकर पीड़ित हों, हर समाज का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है और सभी लोग दुखी हो चुके हैं भाजपा के कुशासन से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने वही यादव कार्ड खेला है जैसा बीजेपी ने 2019 में कांग्रेस में रहते सिंधिया के खिलाफ उन्हीं के समर्थक रहे केपी यादव को खड़ा कर करारे शिकस्त दी थी। यही वजह है कि केपी यादव का टिकट कटने से नाराज यादवंशियों को साधने के लिए न सिर्फ सिंधिया बल्कि सीएम मोहन यादव भी कोशिश में जुटे हैं। शादी भी वहां नहीं करी, नेहरू जी का परिवार दंगा, 1000 रुपया मोदी जी से और 6000 रुपया मोहन यादव जी से मिल रहा है। मेरे भाई और बहनों, तालियों की गंगा आज से धन्यवाद अर्पित करें। और आज मेरे भाई और बहनों, ये ठगबंधन परिवार देखता है प्रगति नहीं, ये ठगबंधन अपना फायदा देखता है आपका विकास नहीं। आज भी गांधी लगा लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी गांधी के नाम में वोट ले रहे हैं। ये जनता सब इसे आप चुपका करेगी, बोलो करेगी कि नहीं करेगी, कोई माफ नहीं करेगा। इस सीट पर दिलचस्प बात यह है कि सिंधिया के खिलाफ उतरे राव यादवेंद्र सिंह यादव को छोड़कर पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा है। खुद यादवेंद्र बीजेपी से पाला बदलकर कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए। पिता देशराज सिंह यादव 2002 में जब सिंधिया ने पहला चुनाव लड़ा था तो इन्हीं राव यादवेंद्र सिंह यादव के पिता को हरा कर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार सांसद बने। सिंधिया जी को तो जनता 5 साल पहले ही नकार चुकी है। कारण है कि वो यहाँ के निवासी नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, बाहर के रहने वाले हैं और लगातार इस क्षेत्र की जनता ने उनको 20 साल तक इस क्षेत्र का सांसद बनाया। 20 साल होने के बावजूद यहाँ पे वो केंद्र में मंत्री भी रहे, परंतु इस क्षेत्र में जो कुछ काम होने चाहिए थे किसानों के हित में, युवाओं के हित में, बेरोजगारों के हित में, कुछ नहीं हो पाया। यहाँ की कृषि भूमि उपजाऊ होने के बावजूद आज तक नहरें नहीं हैं हमारे क्षेत्र में, यहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। पिछले चुनाव में मिली हार के झटके के बाद इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता के बीच में खुद को महाराज की जगह जनता का सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वहीं उनकी पत्नी प्रियदर्शी राजेश से लेकर सिंधिया घराने के चौथी पीढ़ी के बेटे महा आर्यमान सिंधिया भी अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। तो ढाकर आश्वासन देंगे महाराज को, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल में जब से हम भाजपा के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें कितना मौका दिया है काम करने के लिए, तो हम वो काम कर रहे हैं। आप देखिए, गुना शिवपुरी में नए हवाई अड्डे का घोषणा किया गया है, आप अशोकनगर में देखिए मेडिकल कॉलेज का घोषणा किया गया है, जबकि हम यहाँ के जो सांसदीय क्षेत्र है वो हमारा नहीं था उस वक्त, तभी भी ये जनता हमारे दिल और धड़कन में थी और अभी भी रहेगी। और जब भी इनका हमारे जनता का हमारे परिवार का मांग होता है, हम वो खाली वो मांग नहीं देते, हम उनके साथ 2-3 और चीज़ें भी उपलब्ध करवाते हैं। गुना लोकसभा सीट की 8 में से सिर्फ 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 65 साल में 16 चुनाव में से 14 बार सिंधिया राजघराने या राजघराने के खास का कब्जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया ने पहले कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीती, बाद में 1967 में स्वतंत्र पार्टी से गुना लोकसभा चुनाव जीती। 1971 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधव राव सिंधिया बतौर जनसंघ प्रत्याशी सांसद बने। 1977 में निर्दलीय और फिर 1980 में कांग्रेस के टिकट पर माधव राव सिंधिया गुना से सांसद बने। विजया राजे सिंधिया ने 1989, 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर गुना से चुनाव जीता। 1999 में माधव राव सिंधिया कांग्रेस के सांसद बने, लेकिन सितंबर 2001 में प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। पिता की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार साल 2002 में उपचुनाव जीते। 2004, 2009 और 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से कांग्रेस सांसद बने। सिंधिया राजघराने को साल 2019 में पहली बार मोदी लहर में हार का सामना करना पड़ा, जब बीजेपी प्रत्याशी केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया। यादव बहुल गुना सीट पर यादवों की सिंपैथी पिछले चुनाव में इतिहास रचने वाले केपी यादव के साथ जुड़ी थी। केपी यादव का टिकट कटकर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला तो यहां पर यादवों को दूसरे यादव अब कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। राव यादवेंद्र सिंह यादव की तरफ यादव वोट बैंक यहां झुकता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां की जनता के बीच की दूरी भी एक बड़ी वजह यहां पर इस चुनाव में देखने को मिल रही है। गुना लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यादव, लोधी, जाटव और गुर्जर वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। करीब 2.5 लाख यादव वोटर हैं, तो वहीं 3,20,000 जाटव वोटर हैं। गुर्जर वोटरों की संख्या भी यहां करीब 1,65,000 के करीब है, तो वहीं लोधी वोटर्स की संख्या भी 1,50,000 के करीब है। गुना लोकसभा सीट में 16,62,000 वोटर है, 8,42,000 पुरुष और 7,80,000 महिला वोटर है। पानी कोई मत लाए भाई साहब, मेन पानी नहीं मिल रहा। टंकी भी बन गई, पाइप भी डल गए, मगर पानी नहीं आ रहा। पानी की सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ ताई के। बेरोजगारी है बहुत, युवा पढ़े लिखे फिर रहे हैं, दर बदर फिर रहे हैं, कोई भी रोजगार नहीं है कहीं से कहीं तक, और सरकार का भी कोई अनुमान नहीं है कौन सी बन सकती है। यहाँ पे तो यादवेंद्र सिंह भी जीत सकते हैं और सिंधिया जी का भी टक्कर है दोनों कि हमारे जो पुरानी इमारतें बनी हैं वो पुरातत्व विभाग में जुड़वाए जाए, हम सब लोग एक तरफा में वोट देते हैं। कौन सही है आपके यहाँ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, पहले से भी हम जुड़े हुए उनसे। गुना लोकसभा का प्रसिद्ध चंदेरी इलाका अपनी चंदेरी साड़ियों के लिए देश दुनिया में मशहूर है। राजघराने की महिलाओं से लेकर फिल्म एक्ट्रेसेस भी चंदेरी साड़ियों के शौकीन हैं, लेकिन महंगी साड़ी बनाने वाले बुनकर बेहद कम मजदूरी को लेकर परेशान हैं और चाहते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़ जाए। कारीगरी के ऊपर जो हम लोग तो कारीगर में विवर से बनाने वाले, तो जो प्रॉफिट होती है वो ज़्यादातर उनके सेठ लोगों को ही होती है और शोरूम वालों को होती है एकदम, तो गवर्नमेंट से जो ज़्यादा स्कीम मिलती हैं तो वो भी उनको जो लोग हैं वो यूज कर लेते हैं। तो लिए बड़े फेमस जगह है, सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए तो सुविधा के लेकर वो तो सर वो यहाँ पे स्कीमें कुछ ज़्यादा निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, व्यूअर्स के लाने, बुनकरों के लाने,
और जो पानी की शॉर्टेज भी है थोड़ी बहुत, आजकल मशीनें बिगड़ जाती हैं उसका वो ज़्यादा लेते हैं, तो पानी की वो जल के लाने की कोई सुविधा बढ़ाएँ वीवर्स के लिए, बुनकरों के लिए कुछ सुविधाएं लाएं, उनकी मजदूरियां बढ़ें, यही रहेगी मांग। तो मतलब ये रहता है कारीगरों को सिर्फ मजदूरी बस, कारीगरी की कारीगर की कारीगरी नहीं मिल पाती हम लोगों को, सिर्फ मजदूरी मिलती है बस, यानी डेली का बस 400-500 इससे ज़्यादा नहीं होता है, यही मजदूरी होती है। क्या मांग करेंगे अब यहाँ चुनाव का? मांग यही करेंगे कि जो लोग मतलब कारीगर हैं वीवर्स हैं उन लोगों को मतलब इस टाइप से सुविधा मिले कि जैसे कि वो खुद का कुछ कर सकें। गुना सीट पर राजघराने की राजनीति हावी रही है। 65 साल के इतिहास के पन्ने को पलट कर देखा जाए तो 16 में से 14 बार सिंधिया राजघराने या फिर राजघराने के खास का ही कब्जा रहा है। हालांकि दादी और पिता की राजनीतिक विरासत वाली ये सीट कांग्रेस में रहते ज्योतिया सिंधिया के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन इस बार महल के साथ मोदी और कमल का भी साथ है। तो दूसरी तरफ सिंधिया से पिता की हार का बदला लेने के लिए राव यादवेंद्र सिंह यादव अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। गुना से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज 24।